नाम है आपका? पल्लवी। कहाँ से आए हो पल्लवी आप? कहाँ से आए हो? जम्मू कश्मीर से हो पल्लवी? कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से हो बेटा। आपका परिवार आपको लेकर जाएगा जो बहुत परेशान होगा। आप जिस भी हालत में घर से निकले हो लेकिन परिवार के पास आपको भिजवाना है। अपना नाम बताओ। पल्लवी नाम ही है आपका? कोई दिक्कत है आपको? क्या परेशानी है कोई आपको बताओ? आप किसी चीज से डर लग रहा है? कोई झगड़ा हुआ था घर में? तो आप ये देखिए कुछ भी बताने कुछ के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं फिलहाल जो है ये त्रावड़ी के पास से मिले हैं। जी हाँ, त्रावड़ी के पास से मिले हैं। बताया जा रहा है बस में जो है जम्मू से ये आए हुए हैं। फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहे हैं, शायद इन्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पर पुलिस हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। तो कुछ सर पता चल पाया आप लोगों को? कुछ बताया महिला कांस्टेबल आपके साथ है उनको कोई जानकारी दी उन्होंने? नहीं नहीं, ये तो ऐसे लगता है घर से कोई प्रॉब्लम है, वैसे दिमाग से ठीक है, बताना नहीं चाहती। सर पक्का जम्मू, मतलब जम्मू से बैठी थी बस में? हाँ, हमने बस के ओनर से पता किया था, टिकट इसके पास थी, फोन पे बात। तो आप लोगों को किसने इन्फॉर्म किया वहाँ से? वहाँ से हमारी आरवी गाड़ी के पास कॉल आई थी, वो बिठा के इसको थाने में ले आई थी और थाने से हमें आपके पास। सर कोई इनके पास से डॉक्यूमेंट कोई ऐसा कुछ मिला इनके पास? कुछ लेकर आई है ये? और कोई आईडी प्रूफ इनके पास नहीं मिला। कुछ लेकर आई है सर ये वहाँ से? बस इनके पास है कि भगवान श्री कृष्ण जी की फ़ोटो है, उसे काफ़ी प्यार करती है, हो सकता है भगवान की भक्ति में लीन हो। कुरुक्षेत्र जाना चाहती है? हाँ, बार बार कुरुक्षेत्र जाने के लिए बोल रही है लेकिन कुरुक्षेत्र का कोई एड्रेस नहीं बता रही। देख सकते हैं कुरुक्षेत्र जो है जाना जरूर चाहती है लेकिन आपको कुरुक्षेत्र छोड़ देते हैं। बताइए किसके पास जाना चाहते हो? मंदिर जाना है कोई? आप रोइए मत, आप हमें बताइए आपने कुरुक्षेत्र किसी मंदिर जाना है? आपको सभी अभी मंदिर छोड़ आएंगे, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ छोड़ आएंगे। कहाँ जाना है बताओ? बोलो पल्लवी। पल्लवी बताओ आपको कहाँ जाना है? बोलना नहीं चाह रही। देख परिवार के पास नहीं जाना बेटा? अगर नहीं जाना है वो भी बता दो, अगर कोई नाराजगी में घर से निकले हो वो भी बता दो। सबसे पहले तो हम आप सबका पल्लवी परेशान हो रहे होंगे परिवार वाले, अगर किसी परिवार से कोई नाराजगी में घर से निकले हो तब भी बता दो, अगर वहाँ नहीं जाना है तब भी बता दो ताकि हम लोग आपकी कोई मदद कर सके। अच्छा आप इतना बता दो कुरुक्षेत्र जाना है? कुरुक्षेत्र जाना है? फोटो लेकर अपने साथ निकले। कुरुक्षेत्र जाना है? कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ? गोपाल जी भी रखे हुए अपने साथ इन्होंने। कोई रिश्तेदार रहता है कुरुक्षेत्र? कोई फ्रेंड रहती है? तो देख सकते हैं जो इनके पास से सामान मिला है वो दिखा सकते हैं या उसी को अपना सामान जो है रखना चाहते हैं। लड्डू गोपाल इनके पास है और जो है आपको ये फोटो नजर आ जाएगी, सिर्फ यही जो है ये रखना चाहते हैं और सिर्फ कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं। फिलहाल कुछ बोल नहीं रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर से क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो अंदर जरूर चले गए हैं। फिलहाल इन्हें अपना आशियाना में रखा जा रहा है। कुछ समय के बाद ही अपने माता पिता का नाम बताना शुरू कर दे और अभी घर से ही लगता है कुछ ऐसा कोई घर से वाक्यांश या कोई ऐसी बात हुई है जिससे कि ये घर से नाराज होकर के निकल चुकी हैं और इन्हें कान्हा जी से बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है और कान्हा जी को ही लेने के लिए या उन्हीं को पुकारती हुई जैसे ये कुरुक्षेत्र की तरफ जा रही है। कान्हा जी की फोटो लेगी शायद सिर्फ कुरुक्षेत्र में मंदिर में जाके बैठना चाहती है। बस बस यही है, जैसे कोई बंदा व्यक्ति अपने आप से परेशान हो जाता है, अपनी घर से परेशान होता है या जिम्मेवारियों से या कोई ऐसी बातें आ जाती है जिससे परेशान हो जाता है, वो घर से निकल चुकी है। इस समय काफी ज्यादा इमोशनल इमोशनली भी है। हाँ जी, इमोशनली भी लग रही है, बस घर से ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया। क्या अपील करना चाहेंगे परिवार वाले अगर ये वीडियो? मैं सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स से अपील करना चाहूंगी कि हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि ये अपने घर परिवार तक पहुंच पाए। ना समझ बच्ची है, अभी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, हमें इसे अपने इसके घर तक बाइज्जत पहुंचाना है। कितनी उम्र लग रही है इनकी? उम्र 22 या 25 के बीच में लग रही है, इससे ज्यादा नहीं लग रही है। ना समझ ही है, अभी बालिका ही है, बच्ची ही है और जैसे लड़ झगड़ कर या नाराज होकर घर से निकली हुई है, हम यही चाहते हैं कि इन्हें घर तक पहुंचाए। व्यूअर से यही प्रार्थना कि इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ये जम्मू तक कहीं मतलब पूरे देश तक जानी चाहिए हमारी ये वीडियो और जाने के बाद अगर कोई भी इसे इनके संबंधी कोई आसपास पड़ोस के या कोई दुकानदार घर से जाने पहचाने कोई भी इसे देख रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। ये इस समय अपना आशियाना करनाल में है जिसका हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416111073। हमारी यही एक आप सबसे एक प्रार्थना रहती है अपने व्यूवर से क्योंकि व्यूवर्स में बहुत शक्ति होती है, हमारे मीडिया में बहुत शक्ति है। आगे भी कई बार आपकी वीडियोस शेयर होने के बाद
जन जन तक अपने पहुंची और घर परिवार तक भी अपनी माताएं बहनें सब पहुंची है। इस बहन को भी हमें घर तक पहुंचाना है। धन्यवाद। कोई बातचीत हुई थी इनकी, कुछ इन्होंने बताया आपको? जैसे अभी थाना पुलिस वाले लेकर आए हैं, प्रभारी लेकर आए हैं इन्हें यहाँ पर, हमारी बात हुई। पहले तो ये कुछ भी बोलने में असमर्थ थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से इन्होंने अपना सिर्फ नाम बताया है, पल्लवी। हमने बहुत कोशिश करी है कि इनकी कास्ट वगैरह, इनके माता पिता का नाम पता लगे, जिससे हम थोड़ा सा और आइडिया लगा सके कि ये किस धर्म से या किस परिवार से है, लेकिन अभी तक नहीं पता लगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर अवश्य की जाए, ताकि जन जन तक पहुँचे। हमारे जगमेर पाल जी, हमारी बहनें हैं सब, मधु दीदी वगैरह ये सब हैं, सेवा कार्य करते हैं ये यहाँ पर अपना आशियाना में, और यही चाहते हैं कि ये अधिक से अधिक पहुँच कर इस बेटी के घर तक पहुँचा जाए। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं, जनता की आवाज़ का, जो इस तरह से हमारी कवरिंग करते हैं। आप बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। तो देख सकते हैं फिलहाल जो वो महिला है वो अपना नाम सिर्फ उन्होंने बताया है, पल्लवी उनका नाम है, लेकिन जो है वो कुछ उसके आगे नहीं बता रहे हैं। बताया जा रहा है मॉडर्न डेयरी त्रावड़ी के पास जो है इन्हें उतारा गया था बस से, उसके बाद से ये वहाँ से सिर्फ कुरुक्षेत्रा जाना चाहती हैं और कहीं नहीं जाना चाहती। इनके पास एक लड्डू गोपाल हैं, एक कृष्ण भगवान की मूर्ति है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये कुछ भी नहीं बोल रही। या किसी आश्रम में बताओ, वहीं छोड़ाते हैं। कोई है जान पहचान? अपनी एक मित्र बता रही कि मेरी एक सहेली है। एक मिनट, बता रही है क्या बता रही है बताओ? आप छोड़ दो सेफ्टी वाली जगह। किसी सेफ्टी वाली जगह पे छोड़ दो कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र किसी सेफ्टी वाली जगह पे छोड़ दीजिए, घर नहीं जाना। अच्छा नहीं जाना है, कोई बात नहीं, मना कर दो। घर में क्या दिक्कत हो रही है आपके साथ? वाली जगह पे छोड़ दीजिए, मैंने घर नहीं। घर नहीं जाना बोल रही है, किसी भी कुरुक्षेत्र सेफ्टी वाली जगह पे, मतलब इसको पता है इसका अच्छा और बुरा क्या है, पता है ना, गलत हो सकता है कुछ साथ में। हाँ अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप जम्मू से आए हो, हम नहीं पूछेंगे घर कहाँ है आपका, कहाँ से, कौन से शहर से आए हो, सिर्फ शहर का नाम बता दो, हम आपको वहाँ नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से आए हो? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आप बिल्कुल सेफ जगह पे हो, आपका भला कुछ भी गलत नहीं होगा, हम लोग सब आपके सहयोग करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग इसलिए बारी बारी आपसे पूछ रहे हैं कहाँ जाना है। कुरुक्षेत्र तो आपको अभी ये छोड़ रहे हैं, कहाँ से आए हो? कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह जाना है आपने? कहाँ से आए हो बताओ पल्लवी, कौन से शहर से आए हो? अच्छा इतना बताओ, घर से कितने दिन हो गए निकले हुए? पल्लवी घर से कितने दिन हो गए निकले हुए? आप कहाँ से? हिमाचल से? जम्मू साइड में गिरती? नाम देखेंगे ना, फिर नाम पता चल जाएगा, आपको वहीं पहुंचाएंगे हम। ऐसा है, अभी ये बताने में असमर्थ है, अभी ये कुछ नहीं बताना चाहती। दो दिन के लिए आप हमें, इनको आप हमारे पास रहने दीजिए, दो दिन के बाद ही ये देखना, अगर आप कवरेज करने आएंगे ये काफ़ी कुछ अपने बारे में बताना शुरू कर देगी। अभी ये गुस्से में है और ना समझ भी है बच्ची, इस समय भटकी हुई है, मन बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। कुछ समय के पश्चात जैसे हमारे पास रहेंगी, अपना आशियाना में ही ये रहेंगी, इनको अभी हम कहीं नहीं भेज रहे, यही सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है इस समय इनके लिए, ये बेटी बहनों के लिए ही ये आश्रम है और यहीं पर रहेगी। घर से परेशान हो गए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, मन के अंदर बहुत सारे द्वंद्व है, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जो अभी बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब बताएंगे। हिमाचल है, हर कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इनके घर पता, मुझे जहां तक उम्मीद है एक या दो घंटे के अंदर अंदर हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट भी आ जाएंगे। अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तक ये हमारे पास ही रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद अगर ये अपना पूरा परिवार का घर पता बता देंगी, तब हमें कुरुक्षेत्र में जहाँ एड्रेस बताएंगी, मैं खुद जाकर के इन्हें छोड़ करके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वो कुछ भी बता नहीं रही हैं, यही कह रही हैं कि कुरुक्षेत्र जाना है किसी मित्र के पास, लेकिन मैं बात करूं उनके पास एक कृष्ण भगवान की जो है फोटो फ्रेम है, एक लड्डू गोपाल जो है वो है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव भी वो नज़र आई, उसको छूने किसी को नहीं दे रहे हैं, तो शायद वो उनका मित्र भी हो सकता है, जिस तरह से ये कह रही हैं कि मुझे मित्र के पास जाना है, और शायद ये भक्ति भाव भी कहीं ना कहीं हो सकता है, जो ये अपना घर परिवार छोड़कर इस तरह से यहाँ पर आती हैं, करनाल ये उतरती हैं, इन्हें कुरुक्षेत्र जाना था। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर आई हुई है, पुलिस देख सकते हैं SHO त्रौड़ी की गाड़ी यहाँ पर आई है, जो इन्हें अपना आशियाना आश्रम में छोड़ रहे हैं, ताकि ये यहाँ पर सेफ रह सके। अगर आपको इस महिला के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नंबरों पर कॉल सकते हैं। फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं असंध हलचल और जनता ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, आपसे अपील करूँगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि ये महिला
जिस भी परिवार से आई है, जम्मू से आई है, हिमाचल से आई है, हालांकि देखने में ये जम्मू या हिमाचल के आसपास की ज़रूर लग रही हैं, तो इसलिए वीडियो वहां तक जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे अपील करूँगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।